राम राम इशारण है। आज है 76वां दिन मेरा, 75 हार्ड चैलेंज ओवर, खत्म हो चुका। अब तो अब हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अब मैं ब्लॉग्स डालूंगा डेली। तो 76वां दिन ऑफ माय फिटनेस जर्नी, और शेड्यूल मेंटेन करेंगे, तो टाइम वर्कआउट करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा दिखाएंगे आपको। तो आज मैं ले रहा हूँ शोल्डर और बाइसेप्स, तो चलो वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट में पहले मैंने लिया भाई, मैं वर्कआउट की शुरुआत कर रहा हूँ श्रग्स के साथ। तो पहले लेंगे श्रग्स, ये मैंने वेट डाल लिया है क्योंकि मेरा लास्ट सेट है। तो 1 2 3 4 5 ऊपर लाना, होल्ड एंड स्लोली डाउन, ऊपर लाना, होल्ड एंड स्लोली डाउन। सो दिस इज द श्रग्स, और इसके बाद मैं लूंगा वर्कआउट। मैं आपको बता रहा हूं, वर्कआउट में आपको रेपिटेशन करके दिखा रहा हूं, 4 4 5 5, लेकिन मैं एक्चुअली इसको आपको लेना है अपनी क्षमता अनुसार। और मेरी टाइमिंग देखो आप जिम की, कती खाली टाइमिंग पाऊं मैं। और माइक ऑन है, हाँ। शोल्डर, तो शोल्डर प्रेस शख्स के बाद। अब नू मत पूछिए भाई के आगर के पीछे, बनानी है तो फॉलो करो, और फर्क आओगा, नहीं आया तो कमेंट करके बताइयो। लेकिन विद द स्ट्रिक्ट डाइट एंड मोटिवेशनल आपको अंदर से रहना पड़ेगा, खाली सोचने तो कुछ ना होता। जो लोग खाली सोच को कुछ करते हैं नहीं, क्यों करवाडी बनेगी भाई। जिम में आओ, जिम में नहीं तो पार्क में जाओ, डेडिकेटेड वे रखो, हेल्दी डाइट खाओ। आप डाइट प्लान से भी फिट हो सकते हो, तब बहाने चौधन की जरूरत नहीं है, वर्कआउट करो, ध्यान दो भाई। तीसरा वर्कआउट जो मैंने शोल्डर के अंदर लिया है वो है साइड रेज, तो विद लाइट वेट 5 kg, या एंड दिस इज द मोमेंट। यहां से मैं कैमरामैन को कहूंगा भाई थोड़ा सा जूम जाम भी कर लिए। साइड रेज यहां से लेंगे हम, 1 2 3। अभी एक चेंज करेंगे, वो आप भी अप्लाई करना, 4 5 6, ऐसे लेना आपको 10 repetition के, और सभी के 3 3 set। और लास्ट वर्कआउट जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है फ्रंट रेज, साइड के बाद फ्रंट, नमल यहां से ऐसे करना है, और ये देखो बाइसेप्स की शेप, और यहां से हैमर ग्रिप में स्लोली डाउन, अप होल्ड डाउन, अप होल्ड डाउन, अप होल्ड डाउन, अप होल्ड डाउन। तो इस तरीके से आपको शोल्डर का वर्कआउट निपटाना भाई, और बाइसेप्स का वर्कआउट भी दिखाता हूं आपको। तो भाई ऐसा है, अब लेते हैं बाइसेप्स का वर्कआउट। जितना बड़ा बाइसेप दिखता है ना, बाइसेप्स का शौक सबको होता है, और इसके लिए मेहनत लगती है, खाली सोचने से कुछ नहीं होता। तो सोचो मत भाई, वर्कआउट करना चालू करो और अच्छी डाइट लो। ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, ये प्रीचर मशीन का आप ये समझो कि देसी वेरिएंट है। यहां ला के होल्ड करना है, स्क्वीज करना है, एंड स्लोली डाउन एंड अप, होल्ड स्क्वीज स्लोली डाउन। दिस इज द वर्कआउट टू गेन योर बाइसेप्स पीक। बाइसेप्स की पीक बढ़ानी है भाई तो करो, बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। और इसके बाद जो वर्कआउट लेना है आपको, ये रोप आपको दिख रही है, तो केबल मशीन पे रोप लगा के, और आपको लेना है हैमर, बहुत इफेक्टिव है। यहां लाके होल्ड करके स्क्वीज इस तरफ, ऐसे ऐसे, ये बहुत इफेक्टिव है भाई। ऐसा है, अब लास्ट वर्कआउट बाइसेप्स का, शोल्डर का आपको दिखाया, अब बाइसेप्स के लिए अल्टरनेट डंबल कर्ल, वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव वर्कआउट। यहां लाना है स्क्वीज होल्ड, और ये ऐसे नहीं, ये ऐसे थोड़ा सा आउटर साइड में स्क्वीज एंड स्लोली डाउन अगेन। तो इसके बाद ये जब आपका हो जाएगा अल्टरनेट डंबल कर्ल, इसके बाद आपको कलाई का वर्कआउट लेना है, और कलाई के वर्कआउट के लिए कोई भी लाइट वेट डंबल, एंड लाइक दिस ये ट्विस्ट करना इस तरीके से। तो दिस इज द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर फोरआर्म। और इसके साथ ही खत्म करते हैं आज का ब्लॉग। तो 76वां दिन मेरी फिटनेस जर्नी का, आपको कैसी लगी जर्नी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो आज लिया शोल्डर और बाइसेप्स का वर्कआउट विथ फोरआर्म।
एब्डोमिनल आज नहीं लूंगा, शाम को वर्कआउट एक और करना है उसमें एब्डोमिनल्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।